आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ग्राम बड़वारा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग संपन्न हुई। सुपरवाइजर संध्या शर्मा देवेंद्र नगर सेक्टर 2 द्वारा बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लोगों को जागृत किया जा रहा है, जिसके लिए रैली निकालकर और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर शासन के निर्देशानुसार लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आज ग्राम पंचायत बड़वारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि किस प्रकार लोगों को जागृत करना है, साथ ही लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिका की उत्तरजीविका और संरक्षण सुनिश्चित करना, बालिका की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना, अति कम शिशु लिंगानुपात वाले शिशु के जन्म के संग लिंग अनुपात व प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करना, 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में लिंग आधारित अंतर को कम करना आदि के लिए जागरूक किया जा रहा है। हमारा जनवरी माह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर फोकस किया जा रहा है। हमारा महिला बाल विकास विभाग द्वारा इस विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए जो भी लिंगानुपात है उसको कम करने के लिए, बच्चों के शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और बच्चियों को पढ़ाने के लिए फोकस करते हुए हमारा विभाग चाह रहा है कि हर व्यक्ति, हर जनता जनार्दन को हम इस काम के, इस कार्य के लिए अवगत कराएं और इस पर विशेष ध्यान देते हुए हमारी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के अंतर्गत कल से रैली वगैरह का आयोजन किया जाना है, जिसमें ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए विशेष प्रयास। हमारे वार्ड के सभी पंच हैं और सरपंच वगैरह हैं और हमारी कार्यकर्ताएं बहनें हैं, महिला जन ग्राम की गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आंगनबाड़ी, हर आंगनबाड़ी स्तर पर ये कार्यक्रम किया जाना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हम इस के लिए जागरूक करें। ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हमने आज प्रशिक्षित किया है इस काम के लिए, साथ में हमने सरपंच महोदय को भी बुलाया था और सरपंच महोदय से भी इस विषय में चर्चा की गई है ताकि वो इस कार्य में सहयोग करें। देवेंद्र नगर से रविकांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट।